नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट और बर्जर पेंट। एशियन पेंट और बर्जर पेंट में कौन सा बेहतरीन स्टॉक है, किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आपको कभी भी मतलब मौका मिलता है करेक्शन वाले मार्केट में इन्वेस्ट करने का। बर्जर पेंट और एशियन पेंट उसका कंप्लीट हम कंपैरिजन करेंगे और लेवल्स और टारगेट की भी बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले कंपैरिजन देखेंगे फंडामेंटल रूप से, जो रिटर्न है, जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो डेट है, डेट जो कंपनी का है ऊपर है, तो डेट में रेवेन्यू में कंपनी कौन सा बेहतरीन है, रिटर्न के मामले में कौन सा बेहतरीन है, और आगे जो बिजनेस है, आगे के बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतरीन होगा। तो लेवल्स और टारगेट को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एशियन पेंट के वैल्यूएशन की बात करते हैं। 1,63 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कंपनी है जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है, और इसका पी रेशियो 61 का है, जो कि इंडस्ट्री के बेसिस जस्ट थोड़ा सा अधिक है। और बुक वैल्यू देख लीजिए, डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड काफी बेहतरीन देता है ये स्टॉक्स। 12 रुपया, मतलब 1200% फेस वैल्यू 1 है, तो 12 रुपया पर शेयर का डिविडेंड देता है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अधिक है, तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो एक शेयर के लिए बुक वैल्यू से 17 गुना प्राइस देने के लिए तैयार है। जो कंपनी का बुक वैल्यू है उससे 17 गुना प्राइस देने के लिए तैयार है। अर्निंग पर शेयर 27 रुपीज का है। तो आपने सारा वैल्यूएशन देख लिया, कॉर्पोरेट एक्शन देख लीजिए कि कंपनी क्या हमें रेगुलर बोनस देती है, डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड तो हमने देखा, डिविडेंड का जो रिकॉर्ड देखते हैं, कई सारे लोग कहते हैं जो बीत गया, जो हिस्ट्री है उसको क्यों देखते हैं। तो दोस्तों, जिसका रिकॉर्ड है डिविडेंड देने का वही देगा, जिसका रिकॉर्ड है बोनस देने का ज़्यादातर वही कंपनी आपको बोनस देगी। और जो कंपनियों में सिर्फ ग्रोथ है तो वो कंपनियाँ लगातार प्राइस ऊपर हाई चलते जाएगा, तो उसमें जो है उसके प्राइस में थोड़ा सा कम तेजी आपको आगे जब हाई प्राइस हो जाएगा तो देखने मिलेगा। लेकिन जो कंपनियां बोनस देती है तो उसका प्राइस जो है स्टॉक का कम हो जाता है, तो उसमें ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं इन्वेस्ट करने का। तो यहां पर डिविडेंड देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 2020 में 2 बार दे चुका है, 2019 में 2 बार, 2018 में 2 बार, 2018 में यहां पर 1 बार। अगर आप व्यू मोड पर करेंगे तो डिटेल में जा करके पूरा हिस्ट्री इसका देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड कब कब डिविडेंड दिया है। फिर बोनस देख लेते हैं, तो बोनस देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन, 2003 में, 2000 में, 95 में, 85 में। अब स्प्लिट देख लीजिए, 2013 में एक ही बार 10 गुना कर दिया शेयर को, एक ही बार 10 गुना कर दिया यहाँ पर 2013 में। 2003 में भी बोनस दिया था 1:2 का, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आपने देख लिया। हर प्रोस्पेक्टिव डिविडेंड भी देता है, बोनस भी, स्प्लिट भी। तो ये हो गया एशियन पेंट। उसके बाद फाइनेंशियल इसका देखते हैं, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसके आधार पर। तो यहाँ सेल्स देख सकते हैं 5,000 करोड़। तो यहाँ पर मार्च में थोड़ा सा सारी कंपनियों के रेवेन्यू जो है प्रभावित हुए हैं। फिर प्रॉफिट 481 करोड़, 659 करोड़, 826 करोड़, 760 करोड़, 476 करोड़, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। क्या कि सारी कंपनियों जो इस पैंडमिक में थोड़ा सी प्रभावित हुआ है, तो ये कंपनियों के भी प्रॉफिट प्रभावित हुए हैं। तो आपने देख लिया कि प्रॉफिट भी कंपनी लगातार कंसिस्टेंट बना रही है। कंपनी जो है प्रॉफिट में देखिएगा तो लगातार ग्रो कर रही थी, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कंपनी के प्रॉफिट में दिक्कत आया है। आप अर्ली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर जा करके कंपनियाँ ग्रोइंग स्टेज में है या कंपनियाँ जो है कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब अब इसमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव जो उतना अधिक नहीं है वो देख सकते हैं। क्योंकि पीछे के जब तक 5 साल को आप कंपेयर नहीं करेंगे तो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। तो ग्रोथ देखना है तो एनुअल पे जाएंगे, 4-5 साल का पीछे का देखेंगे, सेल्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या नहीं। उसके बाद हम बर्जर पेंट की बात करते हैं। तो बर्जर पेंट का सबसे पहले वैल्यूएशन देख लीजिए। बर्जर पेंट का जो मार्केट कैप है 48,000 करोड़ का है, पी रेशियो 69 का है, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा अधिक है। तो थोड़ा सा एशियन पेंट का भी अधिक था। बुक वैल्यू 27 का है, डिविडेंड जो है 220% का है, मतलब मात्र 2 रुपया डिविडेंड देता है। तो इस स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी कम है, देखते हैं 499 रुपया। और वहीं आपने देखा एशियन पेंट, इसका प्राइस कितना है, 1706 रुपया, तो इससे 4 टाइम्स है। तो डिविडेंड भी जो ये देता है बहुत ही ज़्यादा देता है, मतलब एशियन पेंट। और बर्जर पेंट थोड़ा सा कम डिविडेंड आपको पे करती है। अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज़ का है। और वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब एक शेयर के लिए बुक वैल्यू से जो शेयर होल्डर है, मतलब इन्वेस्टर है, वो 18 रुपया अधिक देने के लिए तैयार है। मतलब जो बुक वैल्यू है, 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए 18 रुपया पे करने के लिए तैयार है। मतलब बुक वैल्यू से 18 गुना ज़्यादा प्राइस दे रहा है जो इन्वेस्टर है। उसके बाद इसका सेल्स आप देख सकते हैं, इसका कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं, बर्जर पेंट का कॉर्पोरेट एक्शन डिफरेंट क्या रेगुलर दिया है। तो 2020 में 2 बार काफ़ी बेहतरीन, 2019 में 1 बार, 2018 में 1 बार, 2017 में 1 बार, तो रेगुलर डिविडेंड दे रही है बोनस।
बोनस में तो ये एशियन पेंट से भी ज़बरदस्त दिया है, देखते हैं 2016 में, 2006 में, 4 में, 98 में, 73 में, तो रेगुलर बोनस दिया है कंपनी ने। उसके बाद स्प्लिट, तो ये भी 10 गुना किया है, स्प्लिट से 2004 में किया था 10 से 2 और फिर 2 से 1 2015 में, तो काफ़ी अच्छा स्प्लिट भी किया है। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, मतलब बोनस के रूप में, डिविडेंड के रूप में। उसके बाद आप इसका सेल्स देख लीजिए कि सेल्स में कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी जो है लगातार मतलब डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। तो इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पर देखते हैं, लगातार इंक्रीज, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज। तो हर कंपनी जो है मार्च क्वार्टर में उसके प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इस कंपनी के भी प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, कंपनी का सेल्स भी यहाँ पर कांस्टेंट था, सेल्स भी कांस्टेंट था, प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज कर रहा था, तो काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का जो बिजनेस है वो भी। आपने इसमें देखा कि काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब काफ़ी बेहतरीन है इस स्टॉक में भी। अब हमारा बारी आता है डेट, जो कर्ज है डेट, तो डेट कितना है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पे चलते हैं, सबसे पहले एशियन पेंट का डेट देख लेते हैं। तो रिजर्व है कंपनी के पास 9,000 करोड़ का, डेट है कंपनी के पास 18 करोड़ का। तो इतना 18 करोड़ का डेट बहुत ही मामूली डेट है, लगभग निग्लिजिबल डेट है। तो कंपनी के पास एक तरह से कर्ज जो है मुक्त कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी में इन्वेस्ट करने में ही फायदा है कि कंपनी के ऊपर मात्र 18 करोड़ का कर्ज है, जबकि इसका पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉफिट पर क्वार्टर 500 करोड़ से अधिक है। तो ये 18 करोड़ जो है कुछ भी डेट नहीं है, बहुत ही मामूली कर्ज है कंपनी पर। कैश और बैंक बैलेंस देखिएगा 376 करोड़ का, मतलब बैंक बैलेंस भी यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बढ़ा है कंपनी का। तो सारा चीज़ बढ़ा है, टोटल करेंट एसेट देख सकते हैं, बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हैं, तो बुक वैल्यू देखिए काफ़ी बिल्डअप हुआ है, तो बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, तो बुक वैल्यू भी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद बर्जर पेंट का आप देख सकते हैं, बर्जर पेंट में जो रिजर्व है कंपनी के पास 2,500 करोड़ का, तो इस कंपनी के पास भी रिजर्व अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिड कैप कंपनी है, मतलब ये भी लार्ज कैप कंपनी है लेकिन छोटा सा लार्ज कैप है, और एशियन पेंट इससे कई गुना बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्ज कितना है, तो 222 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर कर्ज है। वहीं हम नीचे चलते हैं, तो कंपनी के जो बुक वैल्यू है, कैश और बैंक बैलेंस है, वो देखते हैं 125 करोड़ का, लगभग कॉन्स्टेंट है, यहाँ से देखते हैं लगभग कांस्टेंट है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का देख लेते हैं, बुक वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, यहाँ पर 22, 24, 27 बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। बुक वैल्यू होता है एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज, मतलब कंपनी का एसर्ट बढ़ रहा है, तो कंपनी का जब एसर्ट बढ़ रहा है तो बुक वैल्यू बिल्डअप होगा, बुक वैल्यू बेहतरीन होते जाएगा कंपनी का। तो ये थे सारे मतलब फंडामेंटल्स। अगर और डिटेल में आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन से कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है और कौन से कंपनी का जो ग्रोथ है आगे बहुत ही कम, मतलब कांस्टेंट हो चुका है ग्रोथ, तो यहाँ पर आप रेशियो में जाएंगे, रेशियो पर जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी जो है लगातार मतलब ग्रोथ में है। तो रेशियो में जा करके आप रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट, अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़ें देख करके आप कंपेयर कर सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0 है, रिटर्न ऑन एसेट देख लीजिए 19%, तो यहाँ पर देखिए लगातार 19% का रिटर्न ऑन एसेट दे रहा है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए 30%, 35%, 30%, आपको 30% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट पर रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 25, 24, 28 तक का मिल रहा है, तो अब कैसा चाहिए आपको। ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी मिले आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं कितना शानदार है, 28%, 24%, 32%, तो इतना तक आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक्स चाहिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स, तो ऐसे ही ब्लू चिप कंपनी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, देखते हैं 16, 18, 19, 22, 27, तो इस साल और बढ़ गया है। तो इस साल 2021 के जो फाइनेंशियल है इसमें थोड़ा इफेक्टेड हो सकता है। फिर बर्जर पेंट देख लेते हैं कि क्या बर्जर पेंट का भी जो सारा चीज़ है इसी तरह से इंक्रीज हुआ है। तो नीचे चलते हैं, बर्जर पेंट का अर्निंग पर से देखते हैं 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, तो ये भी अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक्स भी हमें 4 times जो है बहुत ही चीप वैल्यू पर मिल रहा है, 4 times। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी 23%, 20%, 18%, 26%, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22%, 30%, 30%, 32%, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन एसेट 14%, 12%, 11%, 16%, काफ़ी बेहतरीन। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये भी लगभग 0 है, तो सारा चीज़ बेहतरीन है दोनों स्टॉक्स में। तो अब हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की,
कौन कितना रिटर्न दिया है, फिर लेवल्स टारगेट की आगे कौन कितना रिटर्न आपको दे सकता है इन दोनों स्टॉक्स में, मतलब कौन बेहतर होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एशियन पेंट है, फिर बर्जर पेंट, दोनों का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको उसमें उतनी टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप लॉन्ग टर्म 10 इयर्स 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके सबसे पहले मैनेजमेंट, दूसरी कंपनी का बिजनेस, आगे जो मोनोपोली वाला होना चाहिए, मतलब उसके कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जब बाजार में मोनोपोली क्रिएट करता हो, तो वैसे कंपनी को आपको 10 इयर्स के लिए चुनना चाहिए। और जो प्राइस आप जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू पे होनी चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल्स, ये तीनों आपका एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें है। अब यहाँ पर रिटर्न देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में। तो देख लीजिए अभी तक का जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न है 14,000% का रिटर्न दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। 14,000% का रिटर्न, मतलब 142% आपका जो मनी है उसको कर दिया है। कितने सालों में? 20 सालों में। अगर इस पैंडमिक से पहले देखेंगे तो और ज़्यादा रिटर्न, 157 टाइम्स कर दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो इसने देख लिया एशियन पेंट आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म में। फिर बर्जर पेंट देखते हैं, तो बर्जर पेंट आपको 20 साल के इंटरवल पे कैसा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ बर्जर पेंट, इसके हम चार्ट को देखते हैं, तो बर्जर पेंट यहाँ से हम लेते हैं, बर्जर पेंट कितना आपको रिटर्न दे रहा है, तो बर्जर पेंट आपको 28,000%, मतलब 287 गुना आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था, जो भी अमाउंट अगर 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको 287 गुना कर दीजिए, उतना बना दिया, 10,000 को 287,000 बना दिया, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। 287 गुना आपके अमाउंट को बना दिया आपके इन्वेस्टमेंट को। तो बर्जर पेंट एशियन पेंट से भी काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, और दोनों स्टॉक बोनस में, डिविडेंड में भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर, लेवल्स और टारगेट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अभी जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। जीरोधा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको डिलीवरी में जीरो चार्ज लगता है और इंट्राडे में आपको मैक्सिमम 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले बर्जर पेंट, तो बर्जर पेंट का जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, वो है 480, और हमारा क्लोज कितना पे हुआ है ये स्टॉक 498। तो 200 डे के मूविंग एवरेज से अभी भी ये 18 रुपीज ऊपर है, तो समझ सकते हैं अभी भी ये स्टॉक्स जो गिरावट आया था उसमें, जो गिरावट आया था वहाँ से जो रिकवरी है इसमें काफ़ी फास्ट हुआ, और ये जो है 542 के प्राइस पे गया, वहाँ से फिर से एक बार करेक्शन आता है 434 रुपीज़ का, वहाँ से फिर से ये रिकवरी दिखाया और ये गया 540 रुपीज़, तो फिर से ये नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब आपने देख लिया ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो है 540 रुपीज़ के ऊपर, जब ये एक बार तेज़ी पकड़ेगा तो फिर से अपने 52 वीक हाई की ओर पहुंचेगा। और नीचे जो इसका सपोर्ट है, पहला है हमारा 490 रुपीज़ के प्राइस के नीचे जैसे ही आता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जब भी आया है तो इसमें दूसरा जो सपोर्ट बनता है 440 रुपीज़। पहला सपोर्ट जो है इसका 490 रुपीज़, उस सपोर्ट को तोड़ता है तो दूसरा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपको 450 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऊपर 10 रुपीज़ नीचे, मतलब 450 इसका मेजर सपोर्ट है। तो आपने पहला सपोर्ट इसका देख लिया 490 है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, उसके बाद फॉल आता है तो 450 के ऊपर 10 रुपया, नीचे 10 रुपया मान लीजिए दूसरा मेजर सपोर्ट है इसका। तो इसके लेवल्स और टारगेट को आपने जान लिया कि अभी अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें 450 के पास इन्वेस्ट हो सकते हैं, और ऊपर जो है आपको 540 तक का लेवल या के 500 का जनरल लेवल आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब भी 450 पर मिले आप निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप SIP चालू कर सकते हैं, अभी आप 2 स्टॉक बाय कर लिए, फिर नीचे आएगा तो 5 स्टॉक बाय करें, और नीचे आएगा तो 10 स्टॉक बाय करेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इसमें करेक्शन का वेट करना चाहते हैं, मतलब थोड़ी सी गिरावट का, तो वेट कर सकते हैं। ये मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मार्केट अगर करेक्शन करता है तो ही इस स्टॉक में भी आपको करेक्शन देखने मिलेगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो है एशियन पेंट, ये एक ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, और इसका बात करें तो 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA है वो है
1695 रुपीज़, मतलब 1700 के आसपास। तो ये भी 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका भी देख सकते हैं ऊपर जो लगातार रेसिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 1750 का जो है ऊपर का रेसिस्टेंस है इसका। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसका जो पहला यहाँ से अगर फॉल आता है, इसमें गिरावट आती है, तो पहला जो सपोर्ट बनेगा, जो पहला सपोर्ट बनेगा वो है 1600। और 1600 के नीचे बहुत ही कम इसके चांसेस है जाने के। अगर नीचे जाता है तो 1500 इसका दूसरा सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब जब इसमें देखिएगा यहाँ पर गिरावट आई है उसके बाद इसमें तेज़ी देखने मिला है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो ब्रेकआउट आया है तो यहाँ काफ़ी वॉल्यूम के साथ आया है, तो आपको वॉल्यूम भी देखना है। फिर RSI, यहाँ पर RSI कमज़ोर हो रहा है, मतलब इसमें गिरावट के संकेत दे रहा है, क्योंकि RSI थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कमज़ोर हो रहा है, मतलब ये स्टॉक में अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में भी गिरावट संभव है। वही बर्जर पेंट, इसमें भी देखिएगा यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ था काफ़ी वॉल्यूम के साथ आया था, तो अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको जो 50 रुपीज़ तक का तेज़ी ऊपर देखने मिल सकता है। वहीं इसका RSI देखिए ये भी वीक हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर इसमें गिरावट आती है तो फिर ये अपने 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे आ सकता है। तो ये थे लेवल्स टारगेट। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ज़्यादा सोचना होता है, जैसे फॉल आता है, जैसे ये आपको 1600 के आसपास मिलता है तो आप इसमें पहला SIP मतलब पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। और नीचे अगर कभी गिरावट आएगा तो वो तभी आएगा जब पूरे मार्केट में गिरावट आएगा, पूरे मार्केट में गिरावट आएगा तो सारे स्टॉक्स में गिरावट आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।